हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। क्या आप भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? तो आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़, फ्रेश रिक्रूटमेंट अनाउंस किया गया है सब इंस्पेक्टर्स के रिक्रूटमेंट के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में, जिसमें 1700-1800 से ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इस पूरी रिक्रूटमेंट में कौन कौन आप में से एलिजिबल है, कब कब से इसके फॉर्म लगे जाएंगे, कब इसके एग्ज़ाम होंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हर एक को इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने का अपडेट मिले। और आज ही के दिन ये एडवर्टीजमेंट आया है और सबसे पहले आपको करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। खासकर आप सभी स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये स्पेसिफिकली आप सबके लिए है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट का नाम क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC हर साल 8 से 10 रिक्रूटमेंट्स ऐसी करता है कि जो हर साल रिपीट होती हैं, हर साल फॉर्म निकलते हैं, हर साल पेपर होते हैं, राइट। उसी में से सबसे बड़ी एक रिक्रूटमेंट है जिसको हम सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, SSC सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, जिसमें आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में एज ए सब इंस्पेक्टर जॉब लगती है और दिल्ली पुलिस में। फॉर्म भरने की जो डेट है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर्म भरने की डेट। फॉर्म भरने की डेट आज ही के दिन से शुरू हो रही है, 22 जुलाई 2023 से 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे तक आपका ये फॉर्म चलेगा, 15 अगस्त 2023 तक। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जो भी इसके फर्स्ट Tier 1 Tier 2 जो भी है, पहला पेपर जो आपका होगा वो होगा अक्टूबर 2023 को। तो ये आपकी फॉर्म भरने के डेट्स की बात कर ली हमने। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें पे स्केल क्या है। सब इंस्पेक्टर इन CAPF, जो आप CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपका Level 6 का ये पे स्केल है, जैसे JK पुलिस सब इंस्पेक्टर का Level 6 था, 35,400 से 112,400 का इसका जो भी सैलरी का रहता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर एग्जेक्टिव, दो तरह की पोस्ट है इसमें, जिसमें मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसका भी Level 6 और सेम पे स्केल है। इसके बाद ओवरऑल जो टोटल वैकेंसीज हैं उसका पूरा नोटिफिकेशन में ब्रेकअप दिया हुआ है। 1700 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिली हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, थोड़ी कम है लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो बेटर ही है। उसके बाद बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। आप सभी कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो देख रहे हैं, एज लिमिट आप अपनी जो एज है वो एक बार मेंशन करते जाएं, ताकि पता चल जाए कि किस एज लिमिट के लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी क्वेरीज जो भी होंगी कमेंट सेक्शन में वो आप पूछ सकते हैं। आप सबकी एज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एज जो है इसकी वो आपकी रखी गई है, जो होता है कि जैसे 21 डेट से एज चेक की जाएगी, 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक होगी, यानी कि आपकी एज लिमिट जो है वो है इसके लिए 20 से 25 साल यानी कि 25 ईयर्स तक। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC 3 साल एंड सो ऑन, जो अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर जो नोटिफिकेशन में चीज़ डिस्कस करने वाली है, हाँ, फुल नोटिफिकेशन का लिंक मैं वेबसाइट का आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से पूरी नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करिए। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है JKSSB के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इस रिक्रूटमेंट SSC की सब इंस्पेक्टर के लिए, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए बहुत सारे फॉर्म निकलते रहते हैं, तो आप सब उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग का बैच स्टार्ट किया जा रहा है 9 बजे का, 9 से लेकर 12 बजे का, आई थिंक वेडनेसडे को स्टार्ट होगा। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, 9419145317 ऑफिस का नंबर है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है वो है आपकी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, सर मैंने आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ? एक बैचलर डिग्री चाहिए, वो किसी में भी हो। हाँ, अब क्वेश्चन आता है, सर हम फाइनल ईयर में हैं, हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर आपका 15 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाता है यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, तो देन माई डियर फ्रेंड्स यू विल बी एलिजिबल।
अब बात कर, ऐसे तो पूरा नोटिफिकेशन ये 50 पेजेस का है, लेकिन हम इसमें सिर्फ मेन मेन चीज़ें बात कर रहे हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की, कि जो एप्लीकेशन इसकी लगेगी उसकी फ़ीस क्या है। तो कोई भी जनरल कैटेगरी का पर्सन हो उसका 100 रुपये इसकी फ़ीस है, 100 रुपी। गर्ल्स के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज हैं इसके लिए पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके एग्ज़ाम के सेंटर जो है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं आप सभी जानते हैं, तो एग्ज़ाम इसका जम्मू में भी आप दे सकते हो, जम्मू सांबा श्रीनगर हर जगह फॉर्म इसका सेंटर आपका बनता है। पेपर का पैटर्न क्या है अब उसकी बात करते हैं। पहला पेपर जो होगा आपका प्रीलिम टायर वन जिसको हम बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलिए पेपर वन बोलिए एक ही बात है, उसमें आपका क्या क्या यहाँ पे मेंशन है अब वो बात कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 50 जीएस, और मैक्सिमम मार्क्स भी एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर बन रहे हैं, और टाइम होगा 2 घंटे का। तो टाइम इसमें आपको देख के चलना पड़ेगा क्योंकि स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एक पेपर टू होगा आपका, उसमें आपको 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 200 मैक्सिमम मार्क्स, 200 और मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन जो दोनों पेपर्स में होंगे वो आपके हिंदी इंग्लिश में सेट होते हैं आप सभी जानते हैं। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल मार्क अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन, यानी कि जो भी आपको एक क्वेश्चन का एक नंबर मिल रहा है तो 1/3.33 आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे। उसके बाद मार्क्स स्कोर जो होंगे आपके वो नॉर्मलाइज होंगे। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, जो सिलेबस है जो आपका वो सेम सिलेबस है जो आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट्स मैं अपनी अक्सर हर वीडियो में ये बोलता हूँ आपको, खासकर जब भी हम किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं नोटिफिकेशन की, ये 4-5 सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से एक बार तैयारी करें तो आपकी नौकरी लगने के चांस ज़्यादा हैं। हम अभी क्या देख रहे हैं, सभी बच्चे क्या करते हैं, जो फॉर्म निकलेगा उसकी तैयारी करेंगे, यानी कि अगर 5 फॉर्म निकलेंगे 5 की अलग अलग तैयारी करेंगे और फिर जब तक फॉर्म नहीं निकलेगा वेट करेंगे, उस वजह से सिलेक्शन नहीं होती। एक बार तैयारी की, सीरियसली तैयारी की, जितने फॉर्म आए भरे, फिर आप कहीं ना कहीं जल्दी सेलेक्ट होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सिलेबस की, बात हो गई पेपर टू, वही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें एरर्स डिटेक्शन वगैरह ये सब पूछा जाएगा। अब इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी टेस्ट किया जाता है, आप सभी जानते हैं सब इंस्पेक्टर हो और फिजिकल टेस्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये पूरा नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन है, जिसमें आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर रेस है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर इन 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है फीमेल्स के लिए 100 मीटर रेस है 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस है 4 मिनट पे, लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर एंड सो ऑन। जो भी चीज़ें इसमें मेंशन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी नोटिफिकेशन में। जो आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह है इसके कोई मार्क्स नहीं है, जस्ट एक उसको आपको क्वालिफाई करना है, तो आप बट क्वालिफाइंग है तो आपको ये क्वालिफाई करना ही है, इसके मार्क्स कोई काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो और इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली हैं, तो अब बाकी आप खुद भी एक बार नोटिफिकेशन देखिए और अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या अब आप आने वाले टाइम में जब तक कोई फॉर्म नहीं निकलते तब तक आप फ्री बैठेंगे, वेट करेंगे कोई फॉर्म निकलेगा फिर हम कोई नई वीडियो डालें ताकि आपको पता चले, या फिर आज ये नोटिफिकेशन आया है 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम शुरू होंगे। 4 महीने का अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए, घर पर तैयारी नहीं होती कोचिंग ज्वाइन करिए, फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे से, वहाँ पर करियर सक्सेस में आप ज्वाइन करिए। अदरवाइज़ अगर आप तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए माई क्लास बाय करियर सक्सेस, जिस पर रेगुलर क्विज आते हैं। तो जिसने पढ़ना है उसके पास मल्टीपल रीजंस होंगे पढ़ने के, अब जिसने नहीं पढ़ना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है, नेगेटिविटी में रहना है, उसके पास 10 रीजंस होंगे ना पढ़ने के। तो चॉइस इज़ योर्स, आप ग्रुप में स्टडी करते हैं वो भी एक बहुत अच्छी बात है, लाइब्रेरी जाते हैं, नहीं भी जाते घर पे भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल हमें ये देखना चाहिए हमारे सामने कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी अगर हम जुलाई महीने की बात करें, इस महीने का ये कोई 3रा या 4था रिक्रूटमेंट है जो हमने आज आपसे शेयर किया है। पहला रिक्रूटमेंट निकला था IBPS क्लर्क 2023, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 21 जुलाई यानी कि परसों, कल सॉरी यस्टरडे।
आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस क्लर्क का कि 28 जुलाई तक डेट बढ़ा दी गई है, यानी आप उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। एमटीएस की जो रिक्रूटमेंट है एसएससी की, उसकी लास्ट डेट भी 21 जुलाई थी, एक बार चेक कर लेंगे, अगर उसकी एक्सटेंड हुई होगी तो आपको ज़रूर बता देंगे। उसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट आ गया है आपके लिए सब इंस्पेक्टर बनने का। तो साथियों, आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब आपने खुद देखना है कि आपको अपना करियर अगर राइट डायरेक्शन में बनाना है, ये 20 साल से लेके 25-27 साल तक की जो आपकी एज रहती है, यही एज है जिसमें आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, एक बार मेहनत करेंगे, अलग अलग एग्ज़ाम्स देंगे, तो आपका करियर पूरी उम्र के लिए, पूरी लाइफ के लिए आपकी करियर सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, नेगेटिविटी में खोए रहेंगे, अपने आप पूरा दिन सोशल मीडिया में लगे रहेंगे, तो फिर आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये आप उससे पूछ सकते हैं जिस पर्सन का किसी रिक्रूटमेंट का एज लिमिट के अकॉर्डिंग एज खत्म हो चुकी हो, यानी आपका कोई नोन हो। अगर मान लो इसी रिक्रूटमेंट की मैं बात करूं, इसकी 25 साल सब इंस्पेक्टर बनने की एज है और उनकी उम्र है अगर 29 साल, अब आप उनको पूछिएगा ये 26 साल 27 साल कि अब वो कितना आपको बोलेंगे कि काश मैं भी ये फॉर्म भर पाता। लेकिन जब टाइम निकल जाए फिर उसका वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तो ये है आज का वीडियो आप सबके लिए। ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, आपके ऊपर है, आप उसके लिए तैयारी करते हैं या वेट करते हैं कि नहीं अगले का करेंगे, अगले का करेंगे, और उसी वजह से काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स का वेस्ट हो जाता है। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, कोई भी आपकी जेन्युइन क्वेरीज हैं, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं आप में से, आप ज़रूर क्वेरीज पूछ सकते हैं। फ्रेश बैच के रिलेटेड पिछली वीडियो में भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो मैं एक और बात बता देता हूँ। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, लोकेशन है ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू, कॉलिंग नंबर है 9419145317, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं बैंक, एसएससी, जेके, एसएसबी, सभी तरह के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, जिसमें आपको मिलेगा बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एक साल की वैलिडिटी। तो इतनी फैसिलिटीज जब आपको मिलती हैं फिर आप एक प्रॉपर रेडी होते हैं एक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और पिछले 7-8 साल से J&K में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस जो है वो करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट से हैं। तो आप सभी फ़ायदा उठाएं इसका, और जो जो फॉर्म निकल रहे हैं हम आपको सबसे पहले वीडियोस के थ्रू रिक्रूटमेंट्स का अपडेट भी देते हैं, और जो ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं सिर्फ वही आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप सभी फॉर्म भरिए, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करिए, और अपने से प्रॉमिस करिए कि अगले एक साल के अंदर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, चाहे वो आपकी क्लास 4 की नौकरी हो, छोटी से छोटी नौकरी हो, बड़ी से बड़ी, लेकिन एक नौकरी आपको निकालनी ज़रूर है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।